टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने ड्रेसिंग सेंस से सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन उर्फी जावेद ने दिवाली के खास मौके पर अपना एक वीडियो शेयर कर लोगों को हैरान कर दिया था। दरअसल उन्होंने टॉपलेस होकर फैंस को दिवाली की बधाई दी थी, लेकिन उनका यह अंदाज आम लोग तो क्या, कई सितारों को भी रास नहीं आया। अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे ने उर्फी जावेद के इस वीडियो को न केवल घटिया बताया बल्कि मीडिया को भी उन्हें प्रमोट करने के लिए लताड़ लगाई। हालांकि सुधांशु पांडे को जवाब देने से खुद उर्फी जावेद भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी साझा कर एक्टर को करारा जवाब दिया। उर्फी जावेद के वीडियो को घटिया बताते हुए अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि मैं उर्फी को फॉलो नहीं करता हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे रोजाना यह घटिया चीजें देखने को मिलती है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि न्यूज चैनल्स है। आप लोग दिवाली जैसे पावन त्योहार पर ऐसी चीजों का प्रचार कैसे कर सकते हैं? भगवान के लिए, यह लक्ष्मी पूजा का दिन है। वहीं उर्फी जावेद ने भी सुधांशु पांडे को लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर जवाब दिया। उर्फी जावेद ने अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे को जवाब देते हुए लिखा कि आप ऐसी घटिया चीजें देखते हैं क्योंकि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। मैं आपके जैसे आदमी देखना पसंद नहीं करती। आप कहते हैं कि आप मुझे देखना पसंद नहीं करते, है ना? अनुपमा में डायलॉग नहीं मिल रहे तो सोचा उर्फी को बोलकर लोकप्रियता हासिल करूं। जब तक आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसी चीजें खरीदने के काबिल न हो जाएं, तब तक आपको मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैंने कभी आपको इंडस्ट्री में मौजूद यौन शोषण के आरोपियों के खिलाफ तो आवाज उठाते नहीं देखा, लेकिन मेरे खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि मैंने शरीर पर क्या पहना है क्या नहीं, इससे आपको मतलब है।